जन और कांग्रेसियों को लाभ हो रहा है ये बताने के लिए खुद मंत्री ही आगे आ रहे हैं। और आज पीसीसी में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जनसुनवाई की और डोटासरा अपने साथ ही पिछले जनसुनवाई का भी रिकॉर्ड लेकर आए और कहा कि हर फरियादी को 7 दिन में जवाब मिलेगा। डोटासरा ने कहा कि उनकी पिछली जनसुनवाई में 97 मामले आए थे जिनमें से 38 उनके विभाग के थे। 15 मामलों को उसी समय निपटा दिया गया था, बाकी जिन विभागों के मामले थे उन्हें संबंधित महकमों को भेज दिया गया था। स्थानांतरण बैन होने के कारण स्थानांतरण के अलावा जितने भी परिवेदनाएं थी मेरे विभाग से थी, उसको विभाग में भिजवाया और करीब 15 से ज़्यादा परिवेदनाओं का तत्काल निस्तारण अब तक हो चुका है। शेष के लिए विभाग में भेजा गया है। कुछ ऐसी परिवेदनाएं भी थी जो रीट भर्ती निकालने को लेकर के थी, व्याख्याता भर्ती को लेकर के थी, तो उनका जो भी निस्तारण हो सकता था रीट के लिए हमने 2 अगस्त कह दिया है, सितंबर के लिए व्याख्याताओं की नई भर्ती के लिए कह दिया गया है। आज भी करीब 40 परिवेदनाएं अब तक आ चुकी हैं। विभिन्न विभागों की परिवेदनाएं यहां पर आती हैं, जो हमारे विभाग से संबंधित होती हैं वो हम विभाग के अधिकारियों से या तो तुरंत बात कर लेते हैं, बात करके निपटारा हो सकता है तो उसको बात करके निपटारा करते हैं, नहीं तो विभाग के हमारे ऐसे के माध्यम से डायरेक्टर को या सेक्रेटरी को भेज करके जहाँ पर भी उसका उचित निस्तारण होता है वो करते हैं। और उनका एक्नॉलेजमेंट भी हम लोग भेजते हैं, जो परिवादी आते हैं उनको भेजते हैं कि इसमें आपके में ये हो सकता है ये नहीं हुआ। अगले महीने से